तो आती ही नहीं हो दबंग हो तुम तो, तो हाथ ही नहीं आती हो ये एक रमेश चंद्रा को बचाने के लिए सो तो so तो मेरे लिए ये नियम था कि आप यहाँ नहीं जाएंगे अब वहां नहीं जाएंगे आप ये लिफ्ट नहीं लेंगे आप ऐसा तो नहीं करेंगी आप इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगी नौकरी के लिए फोन ही रमेश चंद्रा जी ने किया

आई मैंशन इन माई ई मेल्स अमित बंसल जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ मैं सोई नहीं हूँ मैं पाँच मिनट का एक पावर नैप ले लूँ तो मेरे को दहशत होती है वहाँ से झेल के निकली कोई और झेल पाएगा नवीन जी मैं अपने आसपास ऑफिस में जितनी लड़कियों को देखती हूँ ना मुझे लगता है नहीं झेल पाएंगी वो मुझे लगता है कि हर माँ बाप को सोचना चाहिए कि वो जिस अपने बच्चे को जिस ऑफिस में भेज रहे हैं वहाँ पे वो बच्चा सेफ है या नहीं है अब मुझे कि मैडम आप जाइए अब जाइए अरे अब देख तो लो मैं जाने की हालत में भी हूँ या नहीं ऐसा भी कौन सा अपराध था जो मैंने कर दिया कि इसको खत्म करो इसको हटाओ यहाँ से अब मुझे मैं अपनी माँ को याद कर रही थी इट वॉज लाइक कि <laughs> मेरी बात होगी उनसे मेरी छोटी बहन जिसने मुझे नाश्ता पैक करके दिया था उसको पता ही नहीं कि मैं कहां हूं ये सब क्या हो रहा है अगर मैं वहां से भागती भी नवीन जी शुरू में भागती कि मुझे नहीं रुकना तो मुझे समझ आया कि नहीं मैं तो हर दम मैं तो लिफ्ट से नहीं जा सकती थी क्योंकि लिफ्ट के पास एक बंदा खड़ा किया गया था कि भागे ना नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय भीम जोहार मेरा नाम है नवीन कुमार हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री इस समय एक भूचाल के दौर से गुजर रही है क्योंकि भारत के एक बहुत बड़े टीवी घराने पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा है उसके अंदरूनी हिस्से में एकदम तूफान आया हुआ है और यह तूफान इसलिए आया हुआ है कि उस चैनल की एंकर ने अपने बॉस पर या कहें अपने एक आला अधिकारी पर बहुत सनसनीखेज आरोप लगाए हैं वो आरोप इतने संगीन है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता छ फरवरी को एक ट्वीट आता है उस ट्वीट के आने के बाद हड़कंप बच जाता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उस महिला एंकर ने जो लिखा था उस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल था हमारे साथ आरोप लगाने वाली जी न्यूज़ की भूतपूर्व एंकर जीनत सिद्दीकी मौजूद हैं उन्हीं से समझेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ क्या आरोप है किन लोगों पर आरोप है, और किस तरीके की कार्रवाई हुई मामला इंटरनल कंप्लेंट कमेटी पॉश जिसे कहते हैं वहां से लेकर थाने और अदालत तक है और नैतिकता की अदालत में तो है ही जीनत बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्टिकल 19 पर मेरा पहला सवाल आप है? ये सवाल आप ठीक बहुत मुश्किल है नवीन जी मुझे लगता है कि किसी के भी साथ अगर ऐसा हुआ होगा तो वो ठीक तो नहीं हो सकता सवाल मतलब मेरे पास इसका जवाब नहीं है दरअसल और सबने ट्वीट्स पढ़ी है और मैंने बहुत मजबूर होके वो ट्वीट लिखा भी है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या बोलू क्योंकि जो उस दिन हुआ पौष की कंप्लेन की थी बस लेकिन जिस तरह से जांच की गई वो तो था ही डरावना वो तो मैं बताऊंगी कि पांच महीने तक क्या क्या किया गया ये आरोप 5 महीने पुराना है 5 महीने पुराना है पौष का फोर सितंबर वाज द डेट लेकिन क्योंकि मैं आपसे सवाल कर रही थी आपकी जो प्रक्रिया आप अपना रहे हो मैं उस पे आपसे सवाल कर रही थी वो क्लियरली नजर आ रहा है कि आप किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो और उस व्यक्ति पर पहले भी आरोप लगे 2019 में जीनत आपने जो ट्वीट किया था मैं उसी का कुछ हिस्सा पढ़ रहा हूँ ये वाकई बहुत हृदय विदारक है वक्त सुबह दस बजकर बीस मिनट मेरी घेरेबंदी कर जबरदस्ती एक मीटिंग में ले जाया गया मेरा सामान बैग मोबाइल अपने कब्जे में ले लिए गए थे मुझे कमरे में बंधक बना लिया गया था न वॉशरूम जाने की इजाज़त थी न अपनी माँ से ही फोन पर बात करने की घेरेबंदी ऐसी की कभी महिला गार्ड दिखती तो कभी मेरे पास से मुस्कुराकर कोई आदमी निकलता दहशत के मारे मैं वापस जाने की ज़िद करने लगी मुझे चाय दी गई मैंने नहीं पी मुझे महिला गार्ड कहती है मैडम पी लीजिए कुछ मिलाया नहीं है मैंने कहा दीदी आप पी लीजिए मैंने कहा मैं नहीं पीऊँगी क्यों नहीं पियोगी पीना पड़ेगा मेरी धड़कने तेज़ होने लगी थी मैं रोने लगी फिर अमित बंसल नाम का आदमी आता है मुझसे जितनी बदतमीजी से वो बात कर सकता था उसने की डराया धमकाया चिल्लाया अपना रौब दिखाया नौकरी से निकाल देने की धमकी दीखा हाँ मैंने लिखा है और बहुत कम में लिखने की कोशिश की है क्योंकि ऐसा भी होता ना कि इतना सब कहने को है इतना सब बोलूंगी तो पता नहीं कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा हम कभी भी इस इंटरव्यू को रोक सकते हैं आप सहज हो सकती हैं बस आपकी आवाज आनी चाहिए ये पूरी तरीके से आप पर है आप मजबूती के साथ एक लड़ाई लड़ रही हैं आप कोई दबाव तो नहीं महसूस कर रही हैं नहीं आपने जो पढ़ा ये आप ही ने लिखा है मैंने ही लिखा है खुद लिखा है खुद लिखा है और बहुत बार लिखा बहुत बार मिटाया बहुत बार लिखा बहुत बार मिटाया सोचा ये थोड़ा है और ये तो बहुत ज़्यादा हुआ था मैं कितना लिखूँ कितना ना लिखूं ये ऐसा था और बेचैनी ऐसी कि जैसे मैं चीख के सबको बताऊं कि देखो ये 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 तो इसकी इजाजत तो नहीं हो सकती ना किसी को आप कहाँ काम करती थी जीनत मतलब किस डिपार्टमेंट में क्या दर्शकों को मैं जी डेली एन में काम करती जी थी डेली एन हाँ और मुझे मैं हाँ। एक एक बड़ा लोगों को ना कन्फ्यूजन है कि रमेश चंद्रा जी जो हैं वो मेरे एडिटर नहीं जो आरोपी हैं हाँ जो आरोपी हैं सो so, उन्होंने ही मुझे पहले भी फोन किया था कहीं से मेरा नंबर लेके रमेश चंद्रा हाँ जी यूपी के लिए पहले उन्होंने आपसे संपर्क हाँ, उन्होंने ही अच्छा। मुझसे संपर्क किया था नौकरी देने, देने के लिए उस समय मैं किसी वजह से नहीं आई इलेक्शन चल रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे चेंज नहीं करना चाहिए फिर दिल्ली एनसीआर के लिए भी उन्होंने ही मुझे फोन किया था तो ठीक है बातचीत हुई एंड अगर कोई कॉल डिटेल्स निकाले और वो कन्वर्सेशन अगर निकाली जाए मेरी उनके साथ फिफ्टीन मार्च की है मेरी दो शाम के समय की है चार से पांच के बीच की तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि वो नहीं आप आ जाओ एक बार आ जाओ एच आर भी है बॉसेस भी मिलना चाह रहे हैं आप आ जाओ आप आ जाओ सो आप ये सोचते हो ना कि इंडस्ट्री बड़ी छोटी है क्या रिश्ते ख़राब करना बार बार मना कर रही हूँ उससे पहले मुझे एक बार एम के लिए भी ऑफ़र आया था मैंने तब भी मना कर दिया था तो आपको लगता है कि नहीं ये ऐसे भी ठीक नहीं है मैं बार बार मना कर रही हूँ तो मुझे लगा कि चलिए मिल लेती हूँ जाके तो मैं शाम को मिलने आई थी स्पेशली ऑफिस में फिल्म सिटी जो ऑफिस है जी का मैं वहां पे मिलने भी आई थी बकायदा तो ये पिछले साल की दो हजार बाईस का मैं जिक्र करू जब मैंने जब मैंने ये संस्थान ज्वाइन किया तो वो जो है ना कि अच्छा फ्रूटफुल एक होता ना कि आप, आपकी बात हो गई आप कंस्ट्रक्टिव हाँ प्रॉपर एक अच्छे उसमें मुझे कहा गया कि आप अच्छा प्रोग्राम करती हैं हमने एंकरिंग देखी है आपको अलग अलग जगहों पे रमेश चंदा जी मुझे बोलते कि तुम बहुत अच्छी एंकरिंग करती हो बहुत अच्छा एक्सेंट है वॉइस है पढ़ती लिखती हो तो uh, जो उन्होंने uh, आपने देखा होगा कि uh, जो आंसर किया है, है मेरे एलिगेशन पर उसमें भी उन्होंने मैंशन किया लास्ट में कि uh, मैं जानता हूँ कि मैडम बहुत पढ़ती लिखती हैं बहुत मेहनती हैं बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक आई हैं वो खुद कह रहे हैं मेरे बारे में तो खैर uh, मैं आई मैंने ज्वाइन किया तो वो जो एक वो जो एक हेल्प सो कॉल्ड थी कि uh, मैंने रमेश आपको चंद्रा का क्या, है? वो क्या करते हैं अभी वो uh, संपादक हैं जी यूपी के और आप दिल्ली एनसीआर दिल्ली एनसीआर में आ, मैं एंकर जॉइन किया आप दोनों के डिपार्टमेंट अलग-अलग थे अलग-अलग थे बहुत समय तक हमारा फ्लोर सेम था सेम था फ्लोर सेम था एक मिनट जीनत एक मैं बता दूं कि मेरे हाथ में ये पॉश एक्ट है क्योंकि ये बड़ा आसान होता है महिला का चरित्र हनन करना और तब जब एक महिला अपनी ताक़त को मजबूती के साथ सामने रखती है और अपने लिए लड़ाई में उतरती है और बड़े घटिया तरीके से फूहर तरीके से जीनत का चरित्र हनन शुरू हुआ या कहिए करवाया जा रहा है बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो इस काम में लगी हुई हैं लेकिन और इसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि रमेश चंद्रा अलग चैनल को हेड कर रहे थे और वो यूपी उत्तराखंड चैनल में थे और जीनत डेली एन में थी लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल और लेबर ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिकेशन है और ये है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध व निवारण अधिनियम 2013 भारत प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट 2013 जिसको पॉश एक्ट कहते हैं तो जो लोग कह रहे हैं कि रमेश चंद्रा और जीनत अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते थे और इस वजह से जो जीनत के आरोप हैं वो वैलिड नहीं हो सकते तो आप देख रहे होंगे मैंने कुछ फ्लैग के मैंने इस कानून को बहुत गहराई से पढ़ा है और इसमें जो लिखा हुआ है इसमें ये लिखा हुआ है जो परिभाषा है यौन उत्पीड़न की किसी भी किसी और प्रकार का अवांछनीय यौन या कामुक भाव से किया गया शारीरिक मौखिक अमौखिक आचरण तानाकशी या द्वियर्थी बातें तालिका टू में तालिका दो में यह तौर पर मेंशन किया गया है साथ घूमने जाने के लिए जोर डालना पहनावे निजी व्यवहार या किसी व्यक्ति के शरीर के बारे में टिप्पणियां करना एक और लाइन जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि यौन उत्पीड़न इस बात पर निर्भर करता है कि पीड़ित व्यक्ति पर क्या और किस तरह का प्रभाव पड़ा है ना कि पीड़ित करने वाले व्यक्ति की मंशा पर तो आप यह कह सकते हैं कि मेरा यह इरादा नहीं था लेकिन अगर आपने किया है और इसका असर बहुत गहरा पड़ा है तो फिर बात पीड़ित के साथ जाएगी दूसरा यह जी न्यूज की पौश पॉलिसी है यह भारत सरकार की भी नहीं है आईएलओ की भी नहीं है यह जी न्यूज की अपनी पॉलिसी है जिसमें रमेश चंद्रा भी काम करते हैं और जहां से जीनत सिद्दीकी को टर्मिनेट कर दिया गया नौकरी से निकाल दिया गया उस टर्मिनेशन पर आएंगे लेकिन जी न्यूज की जो पॉश पॉलिसी है ये पब्लिकेशन जी ग्रुप का है ये हमारा नहीं है इस पॉश पॉलिसी में जो वर्कप्लेस को डिफाइन किया गया है ये उन लोगों के लिए खास तौर पर है जो जीनत पर कीचड़ उछाल रहे हैं चरित्र हनन कर रहे हैं यह बड़ा आसान होता है ये निहायत गंदी मर्दवादी सोच है और इससे निकलना इतना आसान नहीं होता क्या कहता है जी न्यूज ने लिखा ये हमने नहीं लिखा है सी न्यूज क्या कहता वर्क प्लेस वर्क प्लेस का डेफिनेशन क्या कहता है वर्क प्लेस मीन्स एंड इंक्लूड्स प्रेमाइसिस मतलब वो पूरी बिल्डिंग वर्क प्लेस है लोकेशन जहां आप काम कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट्स मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स ये सब वर्क प्लेस का हिस्सा है इंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूशन मतलब एक ही जगह पर अगर ढेर सारे डिपार्टमेंट और संस्थान काम कर रहे हैं वह सब वर्क प्लेस है ऑफिस ब्रांचेस और यूनिट्स एस्टेब्लिश ओन्ड कंट्रोल्ड बाई द कंपनी तो जो लोग ये कह रहे हैं कि रमेश चंद्रा का डिपार्टमेंट अलग था और जीनत सिद्दिकी का डिपार्टमेंट अलग था उनको जरा जी न्यूज की ही पब्लिक पॉलिसी पढ़ लेनी चाहिए सॉरी पॉश पॉलिसी पढ़ लेनी चाहिए और वर्कप्लेस का डेफिनेशन पढ़ना चाहिए और यह तो इंटरनेट पर बड़े आराम से उपलब्ध है जाइए मुफ्त में पढ़िए और अपना ज्ञानवर्धन करिए तो जिस तरीके का चरित्र हनन किया जा रहा है उसका सच यह है जैसे जैसे हम आगे बात करेंगे वैसे वैसे चीजें और साफ होंगी और हम कोई फैसला करने के लिए नहीं बैठे हम केवल हालात को समझना चाहते हैं कि कैसे एक लड़की का एक महिला का काम करना दुशवार कर दिया जाता है जीनत उस रोज क्या हुआ था आपने तीन फरवरी 2024 की घटना का जिक्र किया है जिसके उसी दिन आपको नौकरी से निकाल दिया गया आपका टर्मिनेशन लेटर आपको दे दिया गया जिसको आपने पब्लिक में रखा है यह टर्मिनेशन लेटर यह आपका टर्मिनेशन लेटर है हाँ ये मेरा टर्मिनेशन लेटर आपने इसको पब्लिक किया हाँ मैंने मुझे लगा कि ये दुनिया को पता चलना चाहिए कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कैसे मसलने की कोशिश करते हैं महिलाओं को जबकि उन्हें उन्हें भी हक होता है कि जो देश की संसद कानून बनाती है जो संविधान ने राइट्स दिए हैं वो उसके दायरे में अपनी बात रख सकती है जो मैं गलती पिछले पांच महीने से इनके हिसाब से मैं बोल के गलती कर रही थी मुझे नहीं करना चाहिए था बिकॉज मुझे अनऑफिशियली तो प्रेशर था ही कि आप अपनी कंप्लेन वापस ले लीजिए आपने शिकायत दी थी पहली दफा लिखित में चार सितंबर दो हजार तेईस हाँ ये सच है सच है और आपको निकाला गया तीन फरवरी 2024 को बिल्कुल सच पूरे पांच महीने के बाद हाँ। इस पांच महीने में कोई जांच हुई कभी आपको बुलाया गया कभी आपसे जवाब तलब किया गया आपकी रमेश चंद्रा की मौजूदगी में कोई बातचीत कराई कुछ क्या क्या हुआ फिर हम आएंगे कि तीन फरवरी को क्या हुआ कुछ हुआ इन पांच महीनों में जांच प्रक्रिया जो थी जी न्यूज की उससे आप संतुष्ट हैं बहुत हिम्मत करके तो सबसे पहले मैंने कम्प्लेन की पूरा पंद्रह बीस दिन आप अंतरमन से लड़ते हो फाइट करते हो कि क्या चल रहा था मन में जीनत एक तो चल चले। नहीं शिकायत की मतलब तुरंत नहीं की ये आप बताएंगी तो बहुत सारी लड़कियों को हिम्मत मिलेगी और बहुत सारे ऐसे लोगों बंद दरवाजा है दिमागों का शायद उनको ग्लानी हो कि एक लड़की शिकायत जिस दिन करती है उससे बहुत समय पहले बहुत ज्यादा अपने आप से लड़ती है पहले अपने आप से लड़ती है तब वो दुनिया से लड़ने निकलती है सिनत कितने दिन आपने इंतजार किया ये, ये सच है ये सच है एक एक बड़ी ओ, बड़ी प्रॉब्लम है हम फीमेल्स में कि हम किसी के देखने के तरीके को भी भांप लेते हैं इंटेंशंस जो होती हैं हम लहजा समझ में आ जाता है कहते हैं कि मतलब महिलाओं के पास एक तीसरी आंख हाँ, होती है वो टच समझ में आता है फूलों में टच समझ में आ जाता है टच, टच। हाँ। तो लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हमें इसको स्टॉप कहाँ पे करना है ये जो बेवजह की तुम्हारी कहाँ रोक, रोक देना है कि ये इस व्यक्ति की मंशा ठीक नहीं है ये हम नहीं समझ पाते उसके बहुत सारे रीजन होते हैं किसी ने तारीफ कर दी अच्छा बींग एन एंकर जैसे अब तो खैर मैं नहीं हूं तो आपको तारीफ होना कॉम्प्लीमेंट्स मिलना आपने आज ये कपड़े पहन लिए आपने ऐसे बाल बना लिए ये सब सब नॉर्मल होता है कुछ अजीब नहीं कुछ भी नॉर्मल मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि आपको हैरानी हो लेकिन कंटिन्यूसली बढ़े जाना बढ़े जाना बढ़े जाना बढ़े जाना ये कौन कर रहा था आपके साथ रमेश चंद्रा जी इवन स्टायर तुम तो स्टार एंकर बन गई हो यहाँ पे तुम तो अब भाव ही नहीं देती हो तुम तो आती ही नहीं हो दबंग हो तो हाथ ही नहीं आती हो हाथ नहीं, हाथ आती, ही ही ही। नहीं आती हो ये ये lines हैं, ये 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 हैं 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 उनकी उनकी बोली हुई। ये उनकी बोली हुई 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 और एक दो तो लोगों ने सुनी भी हुई है कि ये तो हाथ ही नहीं आती बहुत कर हाथ नहीं आती है बहुत दबंगई करती है जैसे मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको इंटरव्यू होना अच्छा, था हमारे चैनल की लॉन्चिंग हुई जब तो इवेंट्स में ऑलमोस्ट एडिटर्स होते ही हैं वहाँ पे बड़ा प्रोग्राम होता है बड़े पॉलिट पॉलिटिशियंस आते हैं तो तो हमारा एम सी इलेक्शन चल रहा था उस समय एक बड़ा कॉन्क्लेव हुआ तो बड़े नेता आने थे सी का इंटरव्यू था सारी चीज़ें दिल्ली में सो दैट डे मैंने एक लाल साड़ी पहनी थी अच्छा तो वो मुझे कहते कि एंड तो फुटेज होंगे वहाँ जहाँ इवेंट हुआ था तो जिस तरह से उन्होंने देखा तरह आपको नीचे से ऊपर देखना फिर आप, आपके ब्रेस्ट की तरफ ही देखते रहना और फिर साड़ी में तुम लगती तो बवाल हो उनके कमेंट थे तो आपको क्या होता है ना आपको सिहरन होती है कहां से मतलब क्या देखा होगा इसने आप समझ रहे हो मेरी बात कैसे कैसे बोल दिया आप सोचते हो ना खुद से ठीक है कभी भी समझ नहीं आता कि इसको स्टॉप करो ये ज़्यादा बोल रहा है या इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है hmm. फिर एक माइंड में कि अरे सौ लोगों को साल भर नौकरी देते हैं निकालते हैं मीडिया में बड़ा नाम है दबदबा है रोजाना इंटरव्यूज़ लेते हैं तो मुझे बार बार जैसे रियलाइज कराते थे, थे कि मैं तो तुम्हारी बहुत तारीफ़ करता हूँ देखो मैं तो तुम्हें यूपी के लिए मांग रहा हूँ तुम्हारे संपादक मुझे दे नहीं रहे हैं है ना मैं तो चाहता हूँ तुम हमारे यहाँ डिबेट शो करो तुम्हारे जैसी एंकर नहीं है टाइप से तो आप ना एक प्रेशर में रहते हो कि आ, मैंने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिलवाया देखो तभी तो ये सारी चीज़ें हो रही तो आपको लगता है कि आ, मुझे अगर मैंने बोला तो मेरे को नुकसान क्या कर सकते हैं ये आप समझ रहे मेरी बात मोस्टली फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम है ना जॉब सिक्योरिटी सोचती हैं वो वो ये सोचती हैं कि लोग क्या कहेंगे है ना ये जो अभी मैं अपने बारे में सुन रही हूँ इन सब से मैं कैसे डील करूँगी और uh, मेरी रीच uh, टॉप लेवल पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी hmm. है ना hmm. वो जो इतने सारे बैरियर्स हैं मैं 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 कैसे क्रॉस करूँगी तो आप अपने परिवार को लेके भी चिंतित रहते हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं चले जा रहा था चले जा रहा था वन डे फिर उन्होंने ना आप, आप, आपके दिमाग में बीज डालने की कोशिश होती है कि तो बहुत बोरिंग लाइफ जीती हो कहीं आती जाती नहीं हो तो किसने कहा रमेश चंद्रा जी ने तुम तुम बोरिंग लाइफ हाँ, और देखिए मैं उनसे नहीं बता रही कि मेरी लाइफ क्या है या कुछ ऐसा है ही इज टॉकिंग एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एवरीवेयर तो मतलब वही मुझे ना मेरे को स्टॉक अच्छा, कर रहे थे अच्छा, हर अच्छा, जगह पे हाँ स्टॉकिंग okay, ना okay, okay, कि okay, हर जगह पे तो अब मैंने तो उनको नहीं बोला कि मैं जिम जा रही हूं मैं वर्कआउट कर रही हूं या मैं मैं क्या कर रही हूं बट वो मुझे कॉमेंट करे इट मींस आपने देखा hmm. आप अपने आंसर में एक जगह पे लिखते हैं कि मैडम को तो मैं फॉलो भी नहीं करता हूं मैडम को तो मैडम तो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट में नहीं है मैं बाकी एंकर्स को तो कमेंट लाइक करता हूँ इनको नहीं करता हूँ hmm. तो आपको ये बताने की जरूरत क्यों है hmm. आपको ये क्यों बताना पड़ रहा है ये टॉपिक है ही नहीं आपको बताने वाला तो सो मेनी टाइम्स ही आज कि कहीं घूमने चलो कहीं चलो मैं देखो फिर मुझे ज़बरदस्ती दिखाना कि आ, आ, मैं तो बहुत घूमता हूँ मैं यहाँ जाता हूँ मैं वहाँ जाता हूँ इस तरह की बात तो नहीं करना की कोशिश की मना किया कि आप ऐसा क्यों करते हैं या टाल दिया कि बंद हो जाएगा अपने आप मैं कोई इशारा किया कि नहीं ऐसा मुझे पसंद नहीं है नहीं आ, ये ये तो है हमेशा कि नहीं सर मैं घूमना पसंद नहीं करती ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा सोशल उस तरह नहीं, से नहीं हूँ मैं प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे एक्टिव रहना पड़ता है बट पर्सनल जो मेरा व्यक्तित्व है मैं उसमें बहुत सोशल नहीं हूँ आई एम वेरी रिजर्व पर्सन तो वो एक बड़ी ऐसी चीज़ रही कि मुझे ये समझ नहीं आया कि कब स्टॉप करना है जो मैं अब रियलाइज़ कर रही हूँ तो एक दिन अचानक से अच्छा कई चीज़ें हुई हैं ऐसा नहीं है कि आप फेस्टिवल में स्वीट्स बांटते हो तो ही डिमांडेड कि आप मुझे मटन खिलाओ मुस्लिम्स में मटन बहुत अच्छा बनता है अच्छा है ना तो आप ठीक है वो आप एक नॉर्मल लेते हो खाने पीने की चीज़ों की मेरे अपने जो कोलीग्स हैं मैं अपने डेस्क पर कभी लाई तो बहुत सारा लाई सब ने सब खाते हैं तो मैं मुझे लगता है बहुत छोटी चीज़ होती है इस बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए बट तो कई बार वो अपने घर लेकर गए हैं अच्छा हाँ वो अपने घर लेकर गए हैं And, uh, he said कि मेरा बेटा बहुत पसंद करता है hmm. तो फिर आपको लगता है ना अच्छा बच्चा है hmm. बच्चा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये सब चले जा रहा था लास्ट में जब उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हाँ कितनी और, और कि बात है जून मई जून के, जुन के जुन आसपास जुन। की बात है समझ में नहीं आ रहा मतलब कि ना तुम कहीं घूमने जाती हो है ना ना आ, कुछ बोलती हो नॉर्मल बातचीत चल रही है काम की मैं नीचे अपने फ्लोर सेकंड फ्लोर पे अपने आ, एडिटर से ही मिलने आई थी बिकॉज एक एक शो प्लान हुआ था आ, मैं उसका नाम नहीं ले सकती अभी बिकॉज वो उनका अपना प्रॉपर्टी है मैं उसका रिस्पेक्ट करती हूँ तो एक शो प्लान हुआ था और मुझे कहा गया था कि आप करेंगी वो कि आप उसे संभाल सकती हैं शो को उस तरह किसने कहा पूरी एक टीम ने तय किया कि वो okay. एक इस तरह का शो होगा एक तो वो आप संभाल सकती है सो आई वाज वेटिंग कि मैं उसका पूरा सकतेप्ट लेके आई हुई थी कि इस तरह से हम उसमें कर सकते हैं तो तो उन्होंने मुझे बुलाया वो सेम फ्लोर है तो आपको और अच्छा एंट्री जहाँ से होती है ऑफिस के लेआउट को भी समझना बहुत जरूरी है कि एंट्री जहाँ से बारे में फैलाया जा रहा है और ये बहुत सारी वेबसाइटें लिख भी रही हैं कि आपके काम का उनके काम से कोई सीधा वास्ता नहीं था तो आप ही जानबूझकर उलझती थी या बहुत सारे हैं 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 आपके जो बातें कही जा रही और अब वो पब्लिक डोमेन में है। स्वतंत्र हैं लोग उन्हें तो सच नहीं पता अब मैंने तो बताया कि मुझे तो नौकरी के लिए फोन ही रमेश चंद्रा जी ने किया और एक बार नहीं दो बार किया दो बार किया तो ये, ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में सफिशियंट है और मैं यहाँ पे किसी को कुछ बोलू बेटर है कि हम एक फेयर इंक्वायरी uh, को फेस करें जीनत ये आ, एक पॉश कमेटी जो पॉश एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि शिकायत मिलने के 48 घंटों के भीतर आंतरिक शिकायत समिति का अध्यक्ष समिति की बैठक आयोजित करेगा ये पॉश एक्ट में लिखा हुआ है ये भारत सरकार का कानून है इसमें एक और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का आ, की बुकलेट है आपने 4 सितंबर 2023 को लिखित शिकायत की ईमेल के जरिए और 10 सितंबर 2023 को फॉर्मेट फिल किया ये बात सच है सच है मतलब 10 सितंबर को फिल करने के बाद 12 सितंबर तक समिति की बैठक हो जानी चाहिए थी पॉश कमेटी की पहली बैठक 48 घंटे के भीतर बुलाना है। ये हुआ था। ये में नहीं, मतलब नहीं, मतलब नहीं, नहीं। हाँ, बनाई है, है।, है कोई मीटिंग हुई है नहीं हुई है ऐसा मुझे कुछ भी नहीं पहली दफा कब पता चला की इस पर काम हो रहा है आपकी शिकायत पर काम हो रहा है आपकी शिकायत का संज्ञान लिया है और अब हम इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे मैंने आ, फोर सितंबर को कंप्लेन दी रिटर्न में मेल किया दस को मैंने परफॉर्मा फिल किया जो पौष का है ऑफिस का उसके उसके बाद, उसके बाद। मेरे पास सिक्स नवंबर को कॉल आती है मॉर्निंग में अराउंड दस के आसपास दस सितंबर के बाद सीधे छ नवंबर छ नवंबर को। मतलब दस सितम्बर पूरे सितंबर में कुछ नहीं हुआ दस सितंबर के बाद पूरे अक्टूबर में कुछ नहीं आपको पता चला 6 नवंबर को जाकर आपको पता चलता हा, है हा, मतलब डेढ़ महीने से भी ज्यादा समय के बाद ऑलमोस्ट दो महीने ऑलमोस्ट दो महीने कि आपको आज मीटिंग में आना है आज आज मीटिंग में आना है आ, हेरिंग है अच्छा पॉश की पॉश की हुँ. वैसे जिन लोगों ने पॉश पढ़ा होगा तो मुझे लगता है उन्हें मालूम होगा कि पॉश की जो इंक्वायरी वर 90 डेज में कंप्लीट हो जानी चाहिए कोई बीमार को नहीं हो गया या बीच में किसी की डेथ नहीं हो गई या कुछ भी ऐसी मिस हैपनिंग ना हो जाए तो आप उसको आपको या फिर टीम के साथ कुछ ना हो आईसीसी जो गठित होती है कि आ, कुछ ऐसा है कि भाई थोड़ा सा हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं तो ऐसा तो इसमें कुछ तो हुआ है दस सितंबर से, से अगर मान लें कि मैक्सिमम भी मान लें नब्बे दिन का वक्त मान लें तो दस दिसंबर तक ये पूरा हो जाना चाहिए था कायदे से हो जाना एज पर जाना जाना रूल 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 लेकिन आपको छ नवम्बर को मीटिंग के लिए पहली दफा बुलाया गया पहली बार मुझे बुलाया गया और कितने घंटे का आपको वक्त दिया गया था कि आपको आना है इसमें मैं एक चीज जरूर बताऊंगी कि फोर नवंबर को सैटरडे था ठीक है ठीक है मैंने अपना ईमेल नहीं देखा मोस्टली लोग लापरवाही करते हैं मैंने लापरवाही की मैं इसे ऐसे कह सकती हूँ संडे छुट्टी थी तो मैंने यहाँ पर ईमेल नहीं देखा जिसमें मुझे मतलब मेरी जो कंप्लेन थी फोर सितंबर की जिसे आप दस भी कह सकते हैं चार नवंबर को मुझे यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है जिन पे मेरे आरोप हैं उनका जवाब भेजा गया था अच्छा दो महीने के बाद ठीक है, ठीक है। तो उसकी अपनी एक प्रक्रिया होगी जो भी कि अब ठीक है अब उन्होंने मेरी कम्प्लेन उन्हें भेजी फिर उन्हें दस दिन में जवाब देना होता है तो भी अगर मैं बोलूं कि उन्होंने या 21, को जवाब दिया होगा मीटिंग में क्या हुआ था और जो मेरी मीटिंग हुई तो उसमें फर्स्ट तो लोग लोग थे कितने लोग थे कितने उसमें फिजिकली तीन लोग थे अच्छा और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी एज पर लॉ उनको फिजिकली होना चाहिए था बट शी वॉज नॉट फिजिकली अवेलेबल पूजा दुग्गल जो हमारी एच हेड है वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर है पूजा हाँ और वो लॉ में नहीं है एच आर हेड प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं हो सकती नहीं, कोई भी सीनियर मेंबर हो सकता नहीं, नहीं बट वो एच, वो सेम एम्प्लॉय नहीं अच्छा वो नहीं हो सकती थी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं आप आपको लगता है ना कि ठीक है इन्वेस्टिगेशन होगी आप सच्चे हो कोई भी आए एक माइंडसेट रहता है ना हमारा तो ठीक है वो फिजिकली नहीं थी वहां पे मैं कहती हूँ कि चलो एचआर हेड वाला पार्ट में भूल जाती हूँ एक रिचा महेश्वरी थी आईसीसी hmm. की ही है। एक एनी लीगल टीम से ठीक है और एक सुनीता मोटवानी करके थी hmm. वो एनजीओ की तरफ से ठीक है. ठीक है hmm. तो ये तीन लोग वहां पे थे और एक और व्यक्ति थे Uh, ये था कि उनके फैमिली में कुछ इश्यू हुआ है तो वो आ नहीं पाए हैं पर उनको वो हेयरिंग भेज दी जाएगी तो वो उसको सुन के uh, सुन लेंगे मतलब ये बात हुई ठीक है आपको पता था कि आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है उस दिन नहीं एक्चुअली वो हेयरिंग थी पहली बात तो हम उसे स्टेटमेंट भी क्यों कहें वो हेयरिंग है फर्स्ट हेयरिंग जो हो रही है तो फर्स्ट हेयरिंग में आप ये देखिए मैं आ, ये बता दिया मैंने कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास आ, और वो भी आधी से ज़्यादा कन्वर्सेशन हो गई जब तो मुझसे पूछते कि आपने देखा उन्होंने ये लिखा हुआ है आपके पास है ये प्रिंट तो मैंने कहा कि नहीं ये क्या चीज़ है तो उन्होंने बोला कि ये रिप्लाई है आरसी का तो मैंने कहा सॉरी मैंने तो पढ़ा नहीं है उनका RC मतलब रमेश चंद्रा का तो ये रिप्लाई है उनका तो मैंने कहा सॉरी मैंने तो इसको नहीं पढ़ा विच आई इन सो मैं उससे अवेयर नहीं थी कि उन्होंने क्या बोला बट फिर भी मैंने उसको फेस किया कि वही एक माइंड से ना आप तो सच्चे हो आपको क्या प्रॉब्लम है आप सारी बातें जो बोल रहे हो ठीक है तो वो दो घंटे से ज्यादा का एक मेरा सेशन हुआ हुँ. है ना और एक सौ अस्सी से ज्यादा सवाल मुझसे पूछे गए उसमें हुँ. आई फेस्ड मुझे लगा इंक्वायरी का पार्ट होगा ऐसे आपको ही आपको लगा कि अब इसके बाद सब चीज़ें ठीक होने लगेंगी हाँ मुझे लगा कि जो भी पूछना चाह रहे हैं आ, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम्हें कोई इस तरह के स्टेटमेंट्स इस तरह के कमेंट्स पास कर रहा है तो तुम मत जाओ ना उधर तुम उस पार्टी में मत जाओ ना ये ये इन सवालों पर अलग से आएंगे जीनत ठीक है लेकिन आपको पहली दफा कब लगा कि ये इंक्वायरी फ्री एंड फेयर नहीं है छह नवंबर को जैसे मैंने बताया मुझे हुँ, सिर्फ बुलाया गया हुँ, ठीक है हुँ, मैंने दो घंटे से ज़्यादा जो भी सवाल जवाब हुए उसे फेस किया हुँ, उसके बाद आठ तारीख को विटनेस को बुलाया गया जिसका मैंने जिक्र किया था उससे सवाल जवाब हुए और मुझे बोला मुझे एक कॉल आया कि आपको मीटिंग में आना होगा उस समय मैं एक इवेंट में बिजी थी मैंने कहा ठीक है मैं फाइव के बाद आऊंगी फिर वो मीटिंग ही नहीं हुई उसके बाद मेरे से कोई मीटिंग नहीं हुई मैंने मैंने इस मीटिंग को जब मैं जा रही थी छोड़ के कि मुझे बुलेटिन के लिए जाना है तो मैंने बोला चार कि दिसंबर को आपको एक मीटिंग के लिए बुलाया गया था हाँ आप गई थी हाँ फिर क्या हुआ मीटिंग ही नहीं हुई हुई नहीं ना मैंने आठ घंटे से ज्यादा आई मेन्शन इन माई मेल कि मैं वेट करती रही कि कोई मीटिंग होगी होगी ऑल सारे व्हाट्सएप uh, चैट्स हैं बिकॉज uh, मुझे वो uh, रिचा कोऑर्डिनेट कर रही थी कि मैंने कहा hmm. मीटिंग कब होगी मुझे खाने के लिए जाना है मीटिंग कब होगी मैं वेट कर रही हूँ एंड दैट डे भी मुझे स्ट्रेस uh, की वजह से मैंने अपने ई में मैंशन किया कि मेरे पीरियड शुरू हो गए चेयरमैन ऑफिस में सेवन फ्लोर पे मैं मीटिंग का इंतज़ार कर रही हूँ कभी मैं इधर झपकी ले रही हूँ कभी उधर मुझे मैं कॉफी मांग रही हूँ मैं बोल रही मुझे एक बिस्किट दे दीजिए मुझे भूख लगी हुई है और से हम आ, रहे हैं, आ, रहे हैं, तो आ आ आ, आ रहे 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 हैं 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 सकती थी, थी ना कैंटीन में खाने के लिए कि कि मैं मैं मिनट में आती मैं थी, थी।, थी।, थी ना खत्म करती हूँ फिर जाऊंगी खत्म करती हूँ मेरे को रिलैक्स होना है और उसमें भी क्या हुआ था वो मीटिंग जो रखी गई थी उसकी भी मैं आपको इन स्टोरी बताती हूँ छह नवम्बर के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई मुझसे ठीक है अच्छा मैंने परेशान होके कि मुझे कब बुलाया जाए क्योंकि जब मैंने छः नवंबर की मीटिंग को छोड़ा तो मैंने कहा था कि मेरा आमना सामना कब होगा रमेश चंद्रा जी अच्छा, से अच्छा, मेरा अच्छा। आमना सामना कब कराया जाएगा तो बोला गया कि हम आपको जल्दी बता देंगे अच्छा ठीक है अब मैं वेट कर रही करी हूं कि कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा और लास्ट में थक हार के एक दिसंबर को मैंने रमेश चंद्रा जी ने जो आंसर दिया हुआ है उसका मैंने प्रॉपर एक रिज्वाइंडर एक एक पैराग्राफ का फाइल hmm. किया अपनी सारी व्हाट्सएप चैट्स भेजी वीडियोस भेजे जो भी था मेरे पास एंड मैंने बोला कि ये नहीं सुना कि रमेश चंद्रा ने कहा कि आप बड़ा अजीब व्यवहार करती थी वो दूर भागते थे आप ही उनके पास आने की कोशिश करती थी आपने गिफ्ट्स दिए थे आपने आ, कुछ कुछ बातें उनसे कही थी अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर की थी ऐसा है क्या अगर मेरा व्यवहार बहुत ख़राब था एक जगह पे तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी मुझे इस चीज़ को बोलने में कोई शर्म नहीं है अगर एक व्यक्ति किसी महिला के या किसी लड़की के लिए इस तरह की बातें करता है तो कि मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी मैं उलू जुल सवाल करती हूँ मैं उलू जुलुल हरकतें करती हूँ मैं स्थिर नहीं रहती हूँ तो उन्हें कंप्लेन करनी चाहिए थी अगर कोई मुझसे इतना ज़्यादा परेशान था है ना इतना ज़्यादा परेशान था तो वो कंप्लेन कर देते मेरे बॉस जो हमारे जिनको मैं रिपोर्ट करती हूँ उनका कैबिन तो उनके कैबिन के सामने है जीनत आप जी डेली एन आर में थी रमेश चंद्रा यूपी उत्तराखंड में थे आपके बॉस को ये सब पता था कि क्या कुछ चल रहा है उनका रवैया क्या था उनको पता तो होगा ना कि आप पॉश कमेटी में आपका मामला है और आप फेस कर ली हैं इसको मुझे लगता है कि चाहे वो मेरे बॉस हो या कोई भी मुझे छोड़कर कोई भी एम्प्लॉय होगा वो संस्थान के लिए सोचेगा ना संस्थान के नियमों से बाध्य होगा संस्थान जो कहेगा उस ऑर्डर को फॉलो करेगा hmm. वो उसके अगेंस्ट तो नहीं जाएगा तो मेरे से डायरेक्ट उनके आ, मैंने कहा कि आ, मैंने शिकायत की है ये चीजें मैं तो एचआर के उसमें गई सीधा hmm. और एच ने मुझे जैसे जैसे कहा मैंने वो वो फॉलो किया hmm. कि अच्छा ये भी रूल है ना कि आप इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकते hmm. Hmm. तो आप तो रूल्स ही फॉलो करते रह जाते हैं hmm. और आपको पता ही नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है सो hmm. so मेरे hmm. लिए ये नियम था कि आप यहां नहीं जाएंगे अब वहां नहीं जाएंगे आप ये लिफ्ट नहीं लेंगे आप ऐसा hmm. नहीं करेंगी आप इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगी सबसे पहले हम एक फीमेल को ढूंढते हैं ना कि हम उसे बताएं कि मैं किन चीजों से गुजर रही हूँ तो उसके बाद तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ फंसती चली गई जीनत मैंने पहले भी कहा कि बड़ा आसान होता है महिला का चरित्र हनन करना ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है ख़बरी मीडिया मुझे नहीं पता ये खबरी कौन है और कैसे खबरें बनाई जाती हैं और कैसे चरित्र हनन किया जाता है ये इसका क्लासिक एग्ज़ाम्पल है ये लिखा जी मीडिया में चल रहे महिला एंकर संपादक विवाद की पूरी क्रोनोलॉजी सच झूठ का फैसला 11 फरवरी 2024 की डेट डेट लाइन से खबरी मीडिया ने ये कहानी लिखी है और देखिए कि कैसे कहानी वीव की जाती है इससे लिखा इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूरे मामले पर एक सनसनीखेज खुलासा भी सामने आ रहा है आरोप है कि जिस जरा, शब्दों पर गौर कीजिएगा जिस महिला एंकर ने जी मीडिया संस्थान और जी यूपी के संपादक पर जो बेबुनियाद आरोप लगाए हैं मतलब जो भी खबरी मीडिया चलाने वाला है वो जज होगा निश्चित तौर पर और छोटा मोटा जज नहीं होगा वो बहुत बड़ा जज होगा तभी उसने फैसला कर लिया कि उसने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं जिस जिस शिकायत पर कोई फैसला ही नहीं आया है अभी तक जीनत के मुताबिक वो कह रहे हैं कि बेबुनियाद आरोप लगाए हैं उसका सूत्रधार लखनऊ में बैठा एक तथा कथित पत्रकार है जो जी यूपी में ही काम करता है और जो महिला एंकर आरोप लगा रही है वो उसकी अजीज मित्र अजीज कोट अनकोट लिखा हुआ है जीनत आपको पता है ये सब चल रहा है आपको लेकर आप आपको आपके चरित्र पर तरह तरह से लाछन लगाए जा रहे हैं तभी आपको किसी के साथ जोड़ा जा रहा है यह बताया जा रहा है कि आप किसी के इशारे पर यह कर रही हैं अपना करियर दाव पर लगा दिया अपनी इमेज मेरे को मुझे नहीं मालूम मैंने पांच महीने से क्या खाना खाया आपका हंसना उठना बैठना घूमना आपके अपने परिवार के साथ रिश्ते आपका अपनी माँ से बात करना इशारे पर आप किसी के कितने दिन नाचोगे वैसे तो ये एकदम वाहियात है और मैं मुझे मैं जरूर इस विषय पर जो भी ये लोग लिख रहे हैं कानूनी कार्रवाई जरूर करूंगी जितनी मुझ में हिम्मत है लेकिन मुझे पता है ना कि मुझे मैं, मैंने इस इन्वेस्टिगेशन में जो फील किया एक तो फेयर इंक्वायरी नहीं इतनी सारी डिस्क्रपेंसेस उसके अलावा आप मुझे जबरदस्ती पेड लीव पर भेजते हैं जबरदस्ती एज पर छुट्टी पर हाँ एज पर पॉश जब तक मैं आपको रिटर्न में नहीं देती हूं आप मुझे नहीं भेज सकते लेकिन आपने मुझे भेजा और ये जी की पॉश पॉलिसी में भी मेंशन होगा और मैं गवर्नमेंट की पॉश पॉलिसी भी लेके बैठी हूं कि एग्रीव्ड वुमेन जब तक आपको रिटर्न में नहीं कहती उसको नहीं भेज सकते आप नहीं भेज सकते ठीक है देर उसके बाद मैंने एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन क्या-क्या हुआ मेरे साथ मैंने चेयरमैन सर को भेजा मुझे लगा शायद वहां से मुझे न्याय मिल जाए चेयरमैन कौन सुभाष चंद्रा सर को आपने बताया इन सब मैंने सब बताया प्रॉपर डेट वाइज एक-एक ईमेल एक को डिस्क्राइब करके टाइमिंग के साथ और कौन सी चीज कितने दिन बाद हो रही है मतलब आपके साथ जो भी हुआ एवरीथिंग वो सुभाष चंद्रा की जानकारी में है हाँ, मैंने उन्हें बताया प्रॉपर मेल भेजा है प्रॉपर मेल भेजा मैंने उसके बाद कुछ नहीं हुआ मुझ पर ही प्रेशर अलग अलग तरह से फिर मैं बार बार पौष की गाइडलाइंस बता रही हूं कि आप मुझे नहीं भेज सकते आप मुझे रिटर्न में दीजिए आपने कंपनी की किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग किस नियम के अकॉर्डिंग आप मुझे भेज रहे हैं नो आंसर कोई आंसर नहीं ये सारी चीजें ईमेल्स में है सारी चीजें मैं आपको बताऊं ऑलमोस्ट शायद कोई सुने तो हैरान होगा एक फोर्टी टू का प्रॉपर एक पीडीएफ है जो मैंने सर को भेजा सर मतलब सुभाष चंद्र सुभाष चंद्र ठीक है फाइव ईमेल फाइव ईमेल्स का एक अलग है एट ईमेल्स का एक अलग है दो ईमेल्स का एक अलग है मतलब मैं साठ सत्तर ई कर चुकी हूं दोनों तरफ से हमारे कन्वर्सेशन हो चुके हैं ई में एवरी इज इन डॉक्यूमेंटेड इन डॉक्यूमेंट्स उसके बाद मुझे ऑफिस बुलाया गया जब लगा कि ये रमेश चंद्रा अभी काम कर रहे हैं है? हाँ? मतलब है। हाँ मेरे पास एक ईमेल है मैंने, मुझे, जिसने मुझे पता चला वो मतलब आपको तो नौकरी से निकाल दिया गया और उनको काम पर आने से भी नहीं रोका गया शायद वो एक पावर है ना जिससे हम मैंने जिसमें शुरू में कहा कि हर लड़की कंप्लेन करने से डरती है ना कि उसका क्या होगा उसकी सीधा आ, बात पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी बिकॉज मैंने तो रिटर्न में समय मांगा हुआ था सर से चेयरमैन सर से कि आप मुझसे एक बार मिल लीजिए मिनट मुझे सुन लीजिए नहीं मुझे जवाब भी नहीं आया ने ने मुझे जवाब भी नहीं नहीं आया जी के आपको बुलाया मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की मुझे जब ऑफेयर किया गया मैंने उनसे पूछा ये सब एक ही तरह से रहे हैं मिस्टर अभय ओझा अभय ओझा ये सब एक ही तरह से प्ले कर रहे हैं सुभाष चंद्रा हो अभय ओझा हो पूजा दुग्गल जो हमारे चार हेड है रमेश चंद्रा हो सब तो एक जैसे हैं मैं ईमेल्स भेज रही हूं आप, मुझे जवाब नहीं आ रहा जानकारी में क्या कमेटी की कोई रिपोर्ट आई है नहीं ये आपने अच्छा सवाल किया नवीन जी आपको बहुत हैरानी होगी दो फरवरी मेरे पास ईमेल है कि मुझे प्रॉमिस किया जा रहा है कि हम आपको नई आईसीसी देंगे नया मेंबर आएगा उसमें बिकॉज आईसीसी के नॉर्म्स का जितना वायलेशन किया जा सकता था माखौल इतना जरूरी कानून जिसको महिलाओं को सेक्सुअल एब्यूज से बचाने के लिए बनाया गया 2013 में उसको सुभाष चंद्रा के संस्थान ने कुचल का रद्दी के टोकरी में फेंक दिया पांच महीने तक इंक्वायरी का ढोंग किया गया नाटक किया गया और उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आती है और बिना रिपोर्ट आए तीन फरवरी को आपको टर्मिनेट कर दिया गया क्या है सही है बिल्कुल सही है दो फरवरी को मुझे प्रॉमिस किया गया दो फरवरी को छह बज के चालीस मिनट पर मेरे पास एक ईमेल है दो फरवरी को आपको एक ईमेल किया गया जिसके तहत आपको बताया गया कि

मुझे तो नहीं मालूम था ना हुआ? कि तीन तारीख वाली जो घटना है उसको जरा विस्तार से बताइए ताकि पता चले कि एक कॉरपोरेट जब ब्रूटैलिटी पर उतरता है जब बर्बरता पर उतरता है तो शिकायतें कहाँ तक जा सकती हैं मेरे हुआ लिए हुआ? मेरे लिए उसकी बात करना भी इट्स लाइक like, मरने जैसा होता है यूजली मैं ये बोलती हूँ अपने बारे में एम अ ब्लेस चाइल्ड तो शायद वो प्रूव हुआ उस दिन कि मैं सही सलामत सुरक्षित अपने घर पर पहुँची जैसे जैसे मैं रोज़ की तरह ऑफिस गई ठीक है दस बज के बीस मिनट पंच यही कुछ समय था <coughs> जो लेआउट है ऑफिस का मैंने एंट्री ली तो पंचिंग मशीन तो यहाँ पे

ठीक है मैं गई ऑफिस उन्होंने मुझे बोला मैंने जैसे पंच करके मुड़ी कि आपको ना मुड़ी भी नहीं थी इवन मुझे उन्होंने जैसे देखा कि आपको ना एक मीटिंग में जाना है आपको मीटिंग में जाना है तो मैंने कहा मीटिंग आज तो मैं इन्हें बातें करते करते पंच किया मैंने कहा कि मैंने हमेशा रिक्वेस्ट किया है वो मेल्स में भी है मैंशन है कि क्योंकि मेरा पौज का मैटर चल रहा है और हमेशा मैंने बोला कि आप मुझे 24 फोर आवर्स पहले बताएंगे मीटिंग के बारे में ताकि मैं मेंटली प्रिपेयर हो फॉर्मली बताएंगे फॉर्मली बताएंगे तो मैंने कहा कि मेरे पास तो कोई मेल है नहीं तो मैं किसी मीटिंग में नहीं जाऊंगी तो वो बोलते नहीं नहीं आपको जाना पड़ेगा सेवन्थ फ्लोर पर जाना है चेयरमैन ऑफिस अच्छा हाँ सुभाषा तो अब चेयरमैन ऑफिस पे पौज की एक मीटिंग हुई थी मेरी तो ये तो समझ में आ गया कि मीटिंग है मतलब कुछ तो भी बड़ा है Hmm. बट आप फिर भी इस इस तरह की चीजों के लिए प्रिपेयर तो नहीं हो सकते hmm. तो मैंने कहा कि ठीक है आप मुझे ऐसा कीजिए मुझे मेल uh, कर दीजिए मेल पे बता दीजिए कि कोई मीटिंग है hmm. तो मैं जब तक तैयार होती हूँ ग्यारह बजे मेरा बुलेटिन भी है मॉर्निंग वाला एंकर है तो फिर जैसे समय होगा एडजस्ट मैं आ जाऊंगी hmm. तो मैं जैसे ही मेकअप लेने हमारा माइनस टू में मेकअप रूम है तो मैं मेकअप लेने गई तो टेन पे मेरे को मेल आ गया कि टेन पे मीटिंग है अच्छा 1020 पर मेल आया 1024 पे टेन थर्टी पर मीटिंग अर्जेंट मीटिंग छ मिनट बाद मिनट मिनट के, के गैप हा, और हाई इम्पोर्टेंस मीटिंग थी अच्छा उसके लिए आपको मिनट पहले बताया गया हाई इम्पोर्टेंस मीटिंग जो मुझे सिर्फ ये आपको एचआर ने भेजा एचआर ने एचआर की तरफ से मेल आया ठीक है और फिर वो मेरे पास जो है ना एक्चुअली वो घेरेबंदी समझ नहीं आ रही थी पर हो चुकी थी कि इसको बाहर ऐसे तो नहीं जाने देना है तो मुझे वहाँ पे भी नहीं अकेले छोड़ा गया मैंने कहा मैं मेकअप ले लेती हूँ फिर चलते हैं वो बाहर बैठी रही मेरा वेट करती रही बार बार मेरे पास आती रही ठीक है फिर मैं गई मैंने कहा मैं, मैं वॉशरूम होके आ जाती हूँ तभी भी आपको नहीं पता होता ना कि आगे क्या होने वाला है ठीक है गई मीटिंग में सेवन फ्लोर पर नॉर्मल जैसे एक आम इंसान ऑफिस या तो अपना घर सबसे सुरक्षित संस्थान को भी हम ऐसे ही सोचते हैं दिन कौन सा था शनिवार शनिवार जब नॉर्मली आते नहीं 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 स्टाफ नहीं आता, 70 नहीं। स्टाफ नहीं होता। HR HR तो आता ही ही नहीं नहीं होता एच आर तो आता ही नहीं है एच आर तो आता ही नहीं है और चेयरमैन ऑफिस खुल नहीं। नहीं। रहा है उस दिन जिस दिन जिस वीक में मुझे लगता है दो तीन दिन ही सर का इतना बिजी शेड्यूल होता है तो उस हिसाब से वो रेयरली आते हैं ये आते हो तो मेरी जानकारी मेरी मतलब एक आम एम्प्लॉय तक तो नहीं पहुंच पाता ना इसी क्योंकि मेरे तो मेल्स के भी जवाब नहीं आ रहे थे तो मैं गई मैं नॉर्मल मैं जैसे ही लिफ्ट सेवन फ्लोर पे निकली हूँ लेफ्ट साइड की तरफ मैंने टर्न लिया तो एक महिला गार्ड खड़ी थी hmm. और एक सस्पेक्टेड सा एक व्यक्ति जिसने कैप पहनी हुई थी नी स्माइलिंग अच्छा को कुछ क्लिक करता है समथिंग तो रॉन्ग hmm. तो मैंने कहा कहाँ पे मीटिंग तो उन्होंने बताया इस इधर जाना hmm. पड़ेगा तो मैं बैग लेके जाने लगी तो नहीं आपको बैग नहीं ले जाना आप बैग छोड़ दीजिए तो मैंने बोला ठीक है मैं अपने मोबाइल ले लेती हूँ नहीं आप मोबाइल भी नहीं ले जा सकते नहीं बट मोबाइल तो नॉर्मल मैं ऑफ कर देती हूँ ना क्या हो गया उसमें hmm. तो नहीं सर ने बोला है कि आप का सामान बाहर रहेगा आप अपना सामान यहीं पे रख के जाओगे आप फिर कुछ सोचते हो ये क्या हो रहा है फिर मैं गई मुझे लेके जाया गया गई मैं वहां पे अंदर वो कमरा जो भी था मैंने पूछा कोई था नहीं वहां पे कोई भी नहीं था जो मेरे साथ है चार की लड़की थी पहुंची मीटिंग हॉल में कोई भी नहीं था। कोई नहीं था।, कोई नहीं था कोई नहीं था खाली था खाली था एकदम और ये कितने बजे की बात है वही फिर दस, दस मतलब मुझे दस मुझे तैयार होने में बीस पंद्रह मिनट लगे होंगे और उसके बाद की बात है तो कोई भी नहीं था वहाँ पे तो मैंने कहा किसकी मीटिंग है मतलब क्या एजेंडा है अमूमन हम थोड़ा सा सवाल करने वाले लोग तो पहले एजेंडा पूछते हैं ना पर्पस क्या है मीटिंग का और मुझे पता है कि मेरा एक ऐसा सेंसिटिव मैटर चल रहा है जिसमें मैं पिछले पाँच महीनों से मुझे जितना हो सकता है स्ट्रेस दिया जा रहा है या मेंटली हैरेस किया जा रहा है तो मुझे दहशत सी होने लगी वो लड़की भी मुझे जवाब नहीं दे पाई एच की लड़की जो थी कि मैम पता नहीं अभी वेट कर लेते हैं तो मुझे ना एनजाइटी शुरू हुई कि आपको थोड़ा सा एक अंदर से आता है ना कि कुछ तो भी मतलब ये नेचुरल नहीं लग रहा ठीक नहीं, नहीं, नहीं है लगता मैं उठ के वापस अपने बैग की तरफ जाने लगी कि मीटिंग शुरू होगी तो मैं अंदर आ जाऊँगी मुझे घबराहट हो रही है मैं नहीं यहाँ पर रहूँगी इस टाइप से ऐसे मैं नहीं रहूँगी यहाँ पर मैं जाके ना मैं बैठ नहीं नहीं तो मैडम आप नहीं जा सकती आप नहीं जा सकती सर ने बोला है इनको बाहर नहीं रहने देना इनको अंदर ही बिठा के रखना है सर ने बोला है ऐसे बोला है आप नहीं जा सकती मैंने कहा मैं अपने घर पर बात कर लेती हूँ मेरी मम्मी को मतलब अमूमन हम लोग जब पेरेंट्स से अलग रहते हैं तो आपको होता है ना कि एक बार सुबह बात हो जाए घर पे सब ठीक है एक बार शाम को सोते हुए बात हो जाए रात को घर पे सब ठीक है तो आप आपका दिन हो जाए तो मैंने कहा मैं अपनी मम्मी से बात कर लेती हूँ एक बार मैं उन्हें बता देती हूँ कि मैं ऐसे ऑफिस में आई हूँ और एक बार हाल जान लेती हूँ उनका तो नहीं नहीं आप किसी को फ़ोन नहीं कर सकती आप बात नहीं कर सकती मैं जाके ज़बरदस्ती अपने बैग के पास गई मतलब पुलिस भी आए तो आप अपने वकील से बात कर सकते हैं वकील के आने का इंतज़ार कर सकते हैं लेकिन जी न्यूज़ के दफ्तर में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते बंधक जैसी सिचुएशन ऐसा आपने लिखा है बंधक ही है मैं अपना सामान ही लेके जा सकती मैं अपना सामान मुझे बाहर रखना पड़ेगा मेरा फ़ोन ज़बरदस्ती रखवाया गया मैं फ़ोन लेके नहीं मैं मेरे को बात नहीं करने दी गई फिर फिर मैडम आप यहाँ पे नहीं बैठ सकती मैंने कहा मीटिंग शुरू होगी मैं अंदर चली जाऊँगी मुझे अंदर घबराहट हो रही है मैं यहीं पे बैठूँगी मैं नहीं जा जाऊँगी तो नहीं नहीं सर चिल्लाएंगे और भी लोग बाहर मतलब पूरा एक घेरेबंदी थी वो पूरी जो मेरा मेरा दिमाग कितने लोग बाहर टहल रहे थे अगर आप उस फ्लोर का लेआउट देखेंगे तो वो बड़ा मिस्टीरियस है इधर से आप वॉशरूम जाएंगे इधर आगे क्या आपको नहीं पता फिर नीचे आपको नीचे वाला फ्लोर दिखता है इधर चेयरमैन का ऑफिस है और क्योंकि हम लोग नहीं जाते उस जगह पे तो, तो आदत नहीं थी आदत। पर मुझे हलचल नजर आ रही है मैं जिस रूम में मुझे बिठाया गया उसके साथ वो पूरा वुडन वर्क है वहां से टक टक आवाजें आ रही हैं मुझे कि कोई है मैंने मैंने पूछा मैंने कहा इसमें कोई है क्या आवाजें आ रही हैं नहीं नहीं वो आपके मतलब का नहीं है तो आपको तो दहशत होती है ना कि आप किसी और मतलब किसी और जगह पे हैं जिसके बारे में आप वाकिफ भी नहीं हैं मुझे मैं दो मिनट भी नहीं बैठी हूँ अपना मोबाइल कि मैं किसी से बात कर लूँ मैं किसी को बता दूँ कि मैं ऐसी हूँ मैं अपना फ़ोन किसी को दे दूँ आपको लगता है ना कि मेरे फ़ोन से छिड़खानी होगी कुछ भी होगा इतना मैटर चल रहा है नहीं इजाज़त मिली मैडम आप बैठ नहीं सकती आप यहाँ पे आप यहाँ से चलिए वो मेरे सर पे ही खड़ी है मैंने उन्हें बोला भी कि मैम ऐसे कोई आता है जो गार्ड लेडी थी तो क्या आप उसके साथ ऐसे खड़े रहते हैं ऐसे उसको घेरे रहते हैं तो नहीं मैडम ऐसे ही होता है आप देख लेना आ, सर हमको चिल्लाएंगे आप चलो यहाँ से आपको नहीं बैठने देना किया किया नहीं बैठने देने कहां नहीं बैठने देंगे। अच्छा जो गैलरी वाला गैलरी जो सेक्शन था जहाँ मैं बैठी हुई थी वहां वगैरह लगी हुई है और बड़ी कम सी लाइट थी वहां पे मैं बैठी वहां पर वहां से फिर मुझे ले जाया गया जबरदस्ती मैं गई अंदर. तब तक कोई 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 भी नहीं आया था, कोई भी नहीं कोई नहीं।, भी नहीं।, भी नहीं।, भी नहीं आया आया था था so, कि uh, मैं oh, footage, अगर कोई देख लेगा ना so, I was like, कि मुझे ना मुझे सांस नहीं आ रही आप मुझे जाने दो मैं मैं नहीं इस मीटिंग में मेरे को ठीक नहीं लग रही है ये तो नहीं नहीं आप जा नहीं सकती मैं खड़ी होके निकलने लगी नहीं आप नहीं जा सकती आप अंदर बैठिए और मैं ना रोने लग गई कि ये मीटिंग नहीं है ये कुछ और है मेरे को जाना है यहाँ से कौन मीटिंग ले रहा है वो भी नहीं पता, नहीं पता। तब भी किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन को नहीं, को नहीं और नहीं किसी नहीं। को दया नहीं आई एक बेसिक कटसी नहीं मतलब आपकी हालत कैसी हो रही है इससे पूरे जी न्यूज के उस फ्लोर पर जो लोग मौजूद थे उसे किसी को कोई लेना देना नहीं था आप बेहोश भी हो सकती थी कुछ भी हो सकता था आपने कहा ना की सांस नहीं आ रही एक सांस तो का स्ट्रगल किया है मैंने। मैंने एक एक सांस का स्ट्रगल किया ये एक रमेश चंद्रा को बचाने के लिए येस। येस। मुझे नहीं पता क्या रीजन है का एलियेशन है। फिर क्या फिर क्या हुआ? हुआ? फिर फिर मैंने इस... बोला कि कौन मीटिंग ले रहा है आप बुला लो मैं जा रही हूँ मेरे से नहीं रहा जा रहा मुझे पानी ऑफर किया गया ठीक है चाय आई तो आप उस स्थिति में चाय तो नहीं मेरे से पानी नहीं पिया गया तो मैं चाय कहाँ से पीऊंगी चाय के कम से कम भी बीस मिनट बाद बिस्किट लाया जाता है कभी देखा आपने चाय के साथ चाय के बाद बीस मिनट बाद बिस्किट आते हैं हुआ है कभी ऐसा आपने कभी आपके यहाँ मेहमान आते हैं तो आप उसको बिस्किट चाय साथ में देते हैं ना मैं चाय नहीं पी मैंने चाय नहीं पी मेरे को नहीं थी फीलिंग मुझे ख़राब लग रहा था कि आप आप घबराहट में बहुत कुछ सोचते हो ना सर आप आप सोचते हो मैंने नहीं पी चाय मैंने नहीं खाया बिस्किट तो वो कहती हैं कि मैडम कुछ नहीं मिलाया आप पी लो।, पी लो तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं पीऊँगी हालांकि मैं अपना नाश्ता ले आई हुई हूँ मैं चाय, और ये, सब, चाय। और ये सब होते होते कितना टाइम बीत चुका था घंटा से ज़्यादा हो गया था मैंने कहा मैं अपना नाश्ता चाय हमेशा मॉर्निंग में बंदा लेके ही जाता है जर्नल शिफ्ट में अब मैं वैसे चाय बहुत पीती हूँ तो मेरे पास रहता ही है फ्लास्क में मोस्टली तो मैंने नहीं पिया बिस्किट भी नहीं लिया मैंने तो सर ने बोला है कि मैडम को बिस्किट खिलाओ चाय चाय के लिए मुझे बोला गया कि अदरक वाली है आप पी लीजिए मोस्टली मैं अदरक वाली चाय जैसे प्रेफर करती हूँ तो अदरक वाली है कुछ मिलाया नहीं है मैम मैं मैं बोल ना मैंने उसमें बहुत शॉर्ट में लिखा है कुछ नहीं मिलाया मैम आप पी लो तो मैं पी के दिखाऊँ मैंने कहा आप पी लीजिए पर मैं नहीं पीऊंगी मैंने नहीं पी फिर बिस्किट वाला इंसिडेंट हुआ hmm. खैर रोली मैं सब कुछ हो रहा है अंदर ही अंदर आप प्रे कर रहे हो आप, आप आपको अपनी फैमिली याद आ रही है आपको अपने सिबलिंग्स याद आ रहे हैं आपके अपने क्लोज वन याद आ रहे हैं बट आप उनसे बात नहीं कर सकते hmm. आप उनसे बात नहीं कर सकते मुझे भी नहीं करने दी गई फिर जब मैं बहुत ज्यादा रो पड़ी hmm. तो मुझे ओ, मैंने बोला कि मैं चली जाऊंगी वरना आप बुला लीजिए जो भी मीटिंग ले रहे हैं उनको तो वो फोन पे फोन करने लगे लड़की जो अब मुझे नहीं पता ना कौन किसके टच में था तो कहते थोड़ा सा वेट कर लो थोड़ा सा वेट कर लो वो, वो ना साइकोलॉजिकली घेरे बंदी थी कि आप टूट आप जाओ आपने लिखा है आ, मेरी धड़कने तेज होने लगी थी मैं रोने लगी फिर अमित बंसल नाम का व्यक्ति आता है मुझसे जितनी बदतमीज़ी से वो बात कर सकता था उसने की डराया धमकाया चिल्लाया अपना रौब दिखाया नौकरी से निकाल देने की धमकी दी पौश की बहुत शिकायतों को निपटाने का दावा किया मेरी कुर्सी के आसपास घूमना चिल्लाना सब हो रहा था कौन था अमित बंसल मैं भी नहीं जानती थी अमित बंसल कौन है जब वो आए क्या उनका क्या रिएक्शन क्या था वो आए तो बताया कि मैं कौन हूँ अपना परिचय दिया आए एग्रेशन में अच्छा एक एग्रेशन वाली एंट्री होती है ठीक है मैं मुड़ी मैंने देखा हेलो हेलो तो बताओ अपनी कंप्लेन के बारे में फर्स्ट लाइन की आई एम लाइक योर ब्रदर अच्छा तो मैंने कहा अगर आप ये बोल रहे हैं तो फिर तो शायद मैं अपनी पूरी बात रख पाऊंगी है ना तो जैसे ही मैंने शुरू किया तो मैंने उनसे पूछा मैंने कहा सर आपका परिचय hmm. तो अच्छा मेरा नाम जान के क्या करोगी मेरी भी मेल करोगी क्या अच्छा अच्छा लाइन मेरी भी मेल करोगी क्या hmm. मुझे खराब लगा एक तरफ आप भाई बोल रहे हो hmm. एक तरफ आप मुझे हड़काना डराना इस तरह के टोन यूज कर रहे हो मुझे लगता है कि किसी फीमेल के साथ क्या मैं कोई मेल भी मेल के साथ एक अच्छा इंसान तो इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करता वो जो आपका नहीं बताया नाम अब मुझे पता ही नहीं है कि मैं जिस व्यक्ति से बात करी वो ऑफिस में है कौन वो तो मैंने बाद में पूछा किसी से किसी ने मुझे नहीं बताया किस व्यक्ति का नाम क्या है जो मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बातें कर रहा है इतना चिल्ला आ रहा है मतलब कैसे सब कुछ तो था ना बहुत देखे हैं ऐसे मैटर है ना यूं यूं निपटाया मैं ये रहा हूं मैं वो रहा हूं आई वॉज लाइक मैं लॉस्ट होती जा रही थी कि मैंने उनसे पूछा मीटिंग का एजेंडा क्या है hmm. सवाल आते हैं। तुम कानून पढ़ हाँ, का। के आई हो मैंने कहा नहीं सर मैं उनको बता रही हूं मैंने जो आ, उस रात को चेयरमैन सर को जो ईमेल किया मैंने उसमें उस भी प्रॉपर डिस्क्राइब किया कि मेरे से क्या क्या सवाल हुए कैसे मैंने उनको बताया कि

एच uh, आर मैंने एच आर के लिए क्योंकि uh, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी हैं और एच आर हेड भी हैं और उन्होंने क्या किया इस पूरे मैटर को पब्लिक कर, कर, कर दिया मतलब की मतलब उन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया जबरदस्ती की uh, हम इसे छुट्टी पर भेज रहे है नो हाँ पौष कमेटी में मामला चल रहा है और हम इसे छुट्टी पर भेज रहे हैं है और फिर उसके बाद कि अच्छा मेरी जो आ, इस बीच में आप क्योंकि स्ट्रेस में रहते हो तो जो मेरी थेरेपिस्ट थी वो बोलती थी कि आप काम करो ना हम हम जिस प्रोफेशन में हैं हमें ज़्यादा काम में बिजी रहेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा हमें उतना तो मैंने वो रिपोर्ट लगाई कि मेरी मेरी थेरेपिस्ट कह रही है कि मुझे काम करना है काम करना है तो, तो आप मुझे छुट्टियों पर कैसे भेज सकती हैं बट उन्होंने वो पब्लिक में डाली उस एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड के ग्रुप में डाल दिया रिपोर्ट और कि नहीं नहीं हम इसे छुट्टियों पर भेज रहे हैं तो आपने पब्लिक लेकिन कर दिया। एक्ट जो है उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि इंक्वायरी के दौरान जो भी कंप्लेनेंट है उसको काम से नहीं हटाया जाएगा ना उसके काम पर किसी तरीके का असर डाला जाएगा बावजूद इसके हाँ बावजूद इसके मल्टीपल मेल्स से पूछने के बावजूद मुझे छुट्टी पर भेजा गया और न सिर्फ छुट्टी पर भेजा गया बल्कि मेरा डिमोशन कर दिया गया मेरा वर्क वर्क पूरा चेंज कर दिया गया मुझे ज़बरदस्ती जर्नल शिफ्ट में डाल दिया गया जिसमें कभी दो बुलेटिन तीन बुलेटिन चार बुलेटिन वो भी एक एंकर जिसका जो आपका डिबेट शो कर रहा है आठ बजे का जो आपके मेन बुलेटिन अमूमन जैसे होते हैं चैनल में प्राइम टाइम होता है आई एम नॉट सेइंग कि मॉर्निंग का बुलेटिन कोई लो बुलेटिन है प्रोफेशनली मुझे लगता है कि एक एक न्यूज़ एंकर के लिए हर बुलेटिन बराबर होता है वो उसमें अपनी जान लगाता है बट जो आप मुझसे रोज करा रहे थे आपने वो डिबेट हटा फिर क्या हुआ जीनत, आ, उस मीटिंग में? अमित बंसल चीखे चिल्लाए, आपका आरोप। हाँ वो बार बार घूमना वो एक बार भी बैठे नहीं उन्होंने मुझसे आई कांटेक्ट करके बात नहीं की फिर घूमते रहे कंप्लेन पे ढंग से बात नहीं की पॉइंट्स पे बात नहीं की जहाँ जहाँ मुझे uh, uh, मेरे ऑब्जेक्शंस हैं उस पर बात नहीं की एंड आई वाज आई वाज ट्राइंग वेरी हार्डली कि मुझे सुन ले सुन ले सुन ले मैं आप बताऊँ इनको मैं बताऊँ सर ये कब आए मीटिंग में मीटिंग में कोई भी नहीं था कोई भी नहीं था नो no, बस वो एक व्यक्ति था सिर्फ वो एक व्यक्ति उसे सबको बाहर निकाल दिया एच की जो लड़की थी उसे भी और एक एक और एचआर की तरफ से जिन्होंने मुझे टर्मिनेशन मुझे ईमेल पे भेजा है संजू राजू और पूजा दुग्गल के साइन से वो भी बाहर सब बाहर सब केवल एक आदमी एक आदमी कोई महिला महिला भी नहीं थी गार्ड बाहर 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 और आपके साथ एक हाँ, पुरुष जिसका हाँ, नाम अमित बंसल है वो लगातार बदसलूकी कर रहा हाँ उसके बाद बिल्कुल चिल्लाना डपटना डराना धमकाना तुम्हें पता है कि तुमको यू निकाल सकती है कंपनी इम्प्लॉयर्स के राइट्स होते हैं तो मैंने कहा नहीं नहीं निकाल सकती मेरी पौच की कंप्लेन चल रही है और उसकी कोई अभी रिपोर्ट भी नहीं आई है तो मुझे नहीं निकाल सकते तो नहीं निकाल सकते हैं आपको पता है आप इस्तीफा देने को कहा इस्तीफा तो मतलब इस्तीफे की तो मैं आपको क्या ही बताऊं कि किस तरह से घेरे बंदी थी कि मैं उस पेपर पे साइन कर दूं उस पेपर में पेपर पे? आ, वो प्रिंट करके पेपर बकायदा ले आए थे रखा हुआ था पहले से उनकी तो स्क्रिप्ट शाम को ही लिखी जा चुकी थी मुझे नहीं पता था कि खैर तो क्या कहा इस पर साइन कर हाँ, ही सेड कि हम आपको निकाल सकते हैं कंपनी कैन टर्मिनेट तो मुझे लगा नहीं आप नहीं कर सकते हम हम जो एक लेमैन होता है ना उसको लगता है कि कानून तो कानून तो बहुत बड़ी चीज़ होती है कानून को तो फॉलो करना पड़ेगा बट ये लोग तो अपनी जेब में रख के चलते हैं ना सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ बिकॉज मेरे साथ जो हुआ है मैंने मेंशन भी किया है कि आप उसको रद्दी में नहीं फेंक सकते हैं बहुत बहस ये पॉस्ट ट्वेंटी थर्टीन है जब निर्भया हुआ था इस देश में विशाखा उसके बाद अगर नहीं पढ़ा है किसी को पहले वो विशाखा लॉ पढ़े उसके बाद ये थोड़ा सा चेंज होके ट्वेंटी थर्टीन में आया आफ्टर निर्भया पर यहां पे इसे रद्दी में फेंक दिया गया कोई कोई आ, आप कैसे निकली वहाँ से जीने। उसके बाद मुझे ये तो समझ में आ गया था कि मुझे यहाँ से सुरक्षित निकलना है बस यही चल रहा था बस यही मुझे, मुझे हाँ दो चीज़ें चल रही थी एक तो मेरा जब से पौच का मैटर चल रहा था ना मैंने साइन नहीं करना मैंने नहीं साइन करना किसी पेपर पे। यह मेरा क्लियर था मेरे पे बहुत प्रेशर हुआ है ऐसी बात नहीं है बजाय कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो कंप्लेनेंट रिस्पोंडेंट आमने सामने बैठे विटनेसेस हो नहीं मेंटल हेरिसमेंट इतना कि आप सुसाइड कर लो आई लिखा लिखा हुआ हुआ है हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी exactly. hmm. को लेके चल रहे हैं कर ही नहीं रहे मुझे, मुझे ही मैं office, आ, मुझे बुलाया गया ऑफिस दो तारीख से तो एक तारीख को मेरे बुलेटिन नहीं लगे तो मैंने अपने आउटपुट हेड को कॉल किया कि एक तो आप लोगों ने जबरदस्ती छुट्टी पे भेजा मैंने इतने ई किए आपने मुझे नहीं बताया कि क्या रीजन है और अब आप मेरे आपस नहीं लगा रहे तो नहीं आऊ घूम फिर के चली जाना अच्छा तो मैं कैसे घूमने के लिए मैं फिर वहां क्यों आऊंगी ऑफिस आऊंगी तो मैं बुलेटिन करूंगी ना तो नहीं अभी बोला गया है कि तुम्हें बुलेटिन नहीं देने तो मैंने बोला आप मुझे मेल कर दीजिए किसने कहा ये मैंने यही बोला उनको कि आप मेल कर दीजिए तो वो किसी का नाम लेने से भी बचे तो बोले मैंने कहा कि अगर आप मेरे बुलेटिन नहीं लगाएंगे तो मैं ऑफिस नहीं आऊँगी फिर क्योंकि आप लोगों ने मुझे कहा कि आप मेरे बुलेटिन लगाएंगे मैंने इतने ई मेल्स भेजे हैं बुलेटिन लगे तो जर्नल शिफ्ट लगी हुई थी मेरी जो मेरी शिफ्ट हुआ करती थी वो नहीं थी ये जो मेरे बुलेटिन होते थे मैंने पूछा तो बोले कि नहीं अभी यही रहेगा देट वॉज देंटल यू नो ये एक स्क्रिप्ट का पार्ट था कि आप इसको बुलेटिंस से जब हटाओगे तो शायद ये ऑफिस नहीं आएगी क्योंकि होता है ना कि एक एंकर आप जाती रही हां एक एंकर है भाई वो डिबेट कर आपको रहा कितने है अब कितने दिनों तक छुट्टी पर रखा गया 19 दिसंबर से 1 जनवरी तक उसके बाद जब मुझे बुलाया गया मेरे बहुत सारे ईमेल कम्युनिकेशन आपने कहा कि, कि मुझे काम पर बुलाया जाए मैं नहीं रहना चाहती थी मेरे ईमेल्स हैं मैं पूछ रही हूं हाँ, कि किसने ये फैसला लिया है और रीजन क्या है कंपनी का कौन सा लॉ है मुझे बताया तो जाए किसी ने जवाब नहीं मुझे लग रहा था कि मैं किसी कोई अदृश्य व्यक्ति है जिसे मैं ईमेल्स भेज रही हूं सामने तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है फिर बाहर निकली उस मीटिंग से जब उस मीटिंग में अमित बंसल वाली मीटिंग में ये हुआ उन्होंने एक महिला को बुलाया गार्ड वो बाहर रिसेप्शन पे बैठती हैं मैं उनका क्या नाम लूँ उनको बुलाया एक और प्रेशर बनाने के लिए कि चलो हम फे फेयर रखते हैं हुँ? अच्छा फेयर रखते हैं एक अनोन मतलब एक एक दूसरे बंदे को बुलाते हैं वो सारी बातें सुनेगा हमारी तो मुझे लगा शायद कोई होगा बाहर का व्यक्ति वो आई हूँ जिनको मैं रोज़ दुआ सलाम करती हूँ रिसेप्शन पे रहती हैं तो जब हम ऑफिस में एंट्री करते हैं तो कैसे हो दीदी आप रहता है तो मुझे लगा ये ये क्या फेयर रहेगी एक तरफ आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है लाइक आप सफ़र कर रहे हो सांस लेने के लिए और दूसरी तरफ तो फिर ऐसा करो तुम रिज़ाइन करो मैंने कहा मैं, मैं रिज़ाइन तो नहीं करूँगी सर मेरी पॉश की कंप्लेन पूरी नहीं हुई है और मैं रिज़ाइन नहीं कर सकती बनसल बनसल ने हाँ रिजाइन करो अमित बंसल जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ जिसको मैंने जी में कभी देखा भी नहीं था पहचाना कैसे आपने वो मैंने बाद में फिर पता किया, पता किया। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ढूंढते हैं है, लोगों से बात करते हैं कौन है व्यक्ति कौन है व्यक्ति ऐसा दिखता था ऐसे करके आया था ऐसे था ऐसे बात करते हैं ना आप लोगों से वो मैंने भी की थी तो ठीक है प्रेशर बनाया जितना बना सकते थे जिस हद तक बना सकते थे मैं उठ के जाने लगी कि सर मुझे इस मीटिंग में नहीं रहना मुझे इसका कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो नहीं आप नहीं जा सकती मेरे पास आने लगे नहीं आप नहीं जा सकती फिर फीमेल गार्ड आ गई वो लड़की आ गई जो एच आर की हाँ, हाँ जबरदस्ती कंप्लीटली जबरदस्ती कंप्लीट जबरदस्ती नहीं आप नहीं जा सकती साइन करना पड़ेगा लाओ इसको पेपर लाके दो लाइन was so लोकल आप ये कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे एटलीस्ट बतानी तो चाहिए लोगों को देखो ऐसे भी लोग होते हैं ये हुआ मेरे साथ ये मेरे साथ हुआ है उन्होंने किया है किया है। उनको शर्मिंदगी नहीं तो है। तो मैं तो आपके साथ हुआ है तो आप खामोश मुझे हाँ, हाँ मुझे ये चीज तो मुझे शायद जीने ही नहीं देगी जिंदगी भर मैं उस दिन से नवीन जी सैटरडे मैं सोई नहीं हूं मैं पांच मिनट का एक पावर नैप ले लू तो मेरे को दहशत होती है और खाना पीना तो आप छोड़ ही दीजिए मेरे को कितनी दहशत होती है मैं आपको कैसे बताऊं कि एम्प्लॉ हूं गुलाम नहीं थी मेरे अपने राइट्स हैं मैं काम करती थी तो आप मुझे पैसे देते आपने मुझे जॉब ऑफर की थी आप लोग मुझे फोन कर करके नौकरी पे बुलाते थे आई नेवर ट्राइड कि मुझे जी में जाना है एंड मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट डे जब मेरा इंट्रेक्शन भी हुआ था तो मुझसे पूछा गया था कि आपको जी में काम करने से प्रॉब्लम तो नहीं है तो मैंने कहा था जी को मुझसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मे बी आई एम अ मुस्लिम शायद इसलिए पूछा हो मैं ये इस पे नहीं जाना चाहती बट मैं आपको बता रही हूं एक चीज बस फिर मैंने साइन नहीं किए मेरे सामने पेपर रखा कि मैंने साइन नहीं किए फिर वो एकदम एग्रेशन में आके इसको टर्मिनेट करो इसको निकालो यहां से इसको टर्मिनेट करो निकालो इसको यहां से तो आपने तो सब कुछ पहले से रखा हुआ था ना वो प्रिंट तो जादू से हो नहीं गए होंगे आपने तो हमारी मैम जो एचआर मैम है वो साइन करके गई होंगी मुझे कोई पर्सनल किसी से नहीं है लेकिन आई डोंट वॉन्ट ये किसी और के साथ हो या जो मैं वहां से झेल के निकली कोई और झेल पाएगा नवीन जी मैं अपने आसपास ऑफिस में जितनी लड़कियों को देखती हूँ ना मुझे लगता है नहीं झेल पाएंगी वो आप किसी बच्चे किसी के बच्चे को आप ऐसे कर, थोड़ी कर सकते हो हम सबके मेरी छोटी बहनें हैं आपके घर आपके परिचित होंगे किसी और के मतलब मुझे लगता है कि हर माँ बाप को सोचना चाहिए कि वो जिस ब, अपने बच्चे को जिस ऑफिस में भेज रहे हैं वहाँ पे वो बच्चा सेफ है या नहीं है मैं जैसे तैसे वहाँ से मैंने साइन नहीं किए मैं खड़ी हुई मैं निकलने लगी और मैं एकदम मुझे लगा मुझ में कुछ था ही नहीं उस समय एक, एक कोई कोई पावर होगी आपकी माँ बाप की दुआएं होती हैं कुछ होता है आप जो मानते हो मैं बाहर जाके मैं खड़ी हुई जैसे तो एक फीमेल गार्ड की हेड है शायद वो मैं उनके रिस्पेक्ट में नाम नहीं लूंगी वो मुझे ना देश टॉकिंग कैसी हो जीनत मैम होता है ये तो क्या हो गया ये कितना मतलब आप सोचो कितना डरावना है कितना डरावना है कि ये तो इसको तो मैंने भी नीचे देखा था जब मैंने ऑफिस में एंट्री की थी तो ये रिसेप्शन वहां पे थी बाहर दरवाजे पे ये कहां से आ गई मीटिंग में आप समझ रहे हैं मैं उसको देखती रही काफ़ी देर तक और फिर मैं एकदम बैठ गई कुछ भी नहीं था मुझ में उस समय एक क्षण के लिए फिर वो मुझसे बोलती हैं कि उनको लगा कि पता नहीं इसको कुछ हो तो नहीं गया तो वो मेरे को टच करती हैं तो बोलती हैं आपकी बॉडी ठंडी हो गई है गई थी वो और मैं मेरे पास कुछ भी नहीं था कहने को अब मुझे मैं अपनी माँ को याद कर रही थी इट वॉज लाइक मेरी बात होगी उनसे मेरी छोटी बहन जिसने मुझे नाश्ता पैक करके दिया था उसको पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूं क्या हो रहा है और मैं बैठी रही बैठी रही बैठी रही आई कार्ड दे दो सी द ब्रुटैलिटी आई कार्ड दे दो मेरे को नहीं समझ आ रहा कि आई कार्ड क्यों मांग रहे हैं मुझे तो यही था ना मैंने रिजाइन नहीं दिया है तो रिजाइन नहीं हुआ है मुझे थोड़ी पता था कि मेरे घर मेरे ईमेल पे आपने पर्सनल पे मुझे टर्मिनेशन भेज दिया है मैं तो नहीं अवेयर थी ना इस चीज़ के लिए मैं तो नहीं अवेयर थी कि आपने मेरी ऑफिस की ईमेल आईडी बंद कर दी है मैं तो नहीं अवेयर थी कि आपने मुझे अगर मैं वहाँ से भागती भी नवीन जी शुरू में ही भागती कि मुझे नहीं रुकना तो मुझे समझ आया कि नहीं मैं तो हर मैं तो लिफ्ट से नहीं जा सकती थी क्योंकि लिफ्ट के पास एक बंदा खड़ा किया गया था कि भागे ना हर दरवाजे पे गार्ड्स अलर्ट थे कि ये आएगी और इसको जाने नहीं देना है इसको ऐसे टर्मिनेट करना है इसे ऐसे कार्ड लेना है आप वैसे ही बोल देते ना कि भाई हमें रमेश चंद्रा को बचाना है किसी भी कीमत पे। तुम रिजाइन दो हम नहीं मानते पौष को हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे हम तुम रिजाइन नहीं दोगे हम तुम्हें टर्मिनेट करेंगे और फिर मुझसे ज़बरदस्ती वहां पे कार्ड लिया गया मुझे घेर के नीचे लाया गया लिफ्ट से मैं लिफ्ट के पास गई वहाँ पे वो व्यक्ति लिफ्ट रोक के खड़ा था लिफ्ट में मेरे लिए पहले से तैयार था वो फिर मैं नीचे आई था नहीं मतलब कुछ भी नहीं था शरीर में आप समझो मैं नीचे आके बैठ गई तो मुझे ना सांस नहीं आ रही थी बिकॉज मैं मैं थेरेपिस्ट से, से सेशन ले रही थी इस पूरे उसमें कि आपको होता है ना स्ट्रेस होता है स्ट्रेस स्ट्रेस इज़ वेरी नॉर्मल

उसने हाथ मला और उसमें से एक गार्ड बोलती हैं कि मैडम अब ना आप आज़ाद हो यहाँ नहीं आप कुछ कर पाओगी अब बाहर करना यहाँ ऐसा ही होता है आई डोंट नो वो मैसेज उसका था किसी सुपर पावर का था वो मैसेज किसका था मुझे नहीं पता मैंने उन्हें बोला कि आपके घर में बेटियां नहीं हैं तो फिर उसमें से एक बोलती हैं कि हम भी बेटियां हैं तो मैंने बोला कैसे लड़ोगी कैसे लड़ोगी सब बाउंड थे ना शायद सब बाउंड थे फिर अरे मैडम के लिए चाय मंगाओ मैंने कहा नहीं मेरा बैग है मेरा रिसेप्शन पे बैग है आप मेरा बैग ला दीजिए मेरी बहन ने मुझे नाश्ता देके भेजा है तो मुझे जाने की परमिशन नहीं थी अपना बैग लेने के लिए बिकॉज जिस बिल्डिंग में मैं काम करती हूँ ये सब वहाँ पे नहीं हो रहा था वो दूसरी बिल्डिंग में हो रहा था तो मेरा बैग लाया गया अब मुझे कि मैडम आप जाइए आप जाइए अरे अब देख तो लो मैं जाने की हालत में भी हूँ या नहीं ऐसा भी कौन सा अपराध था जो मैंने कर दिया कि इसको ख़त्म करो इसको हटाओ यहाँ से उसके बाद मैं जैसे तैसे गई एंड आई टेल यू बाहर निकली तो मुझे बाहर तक छोड़ने आया जाता है वो गार्ड्स और वो एक आदमी जो कैप में था तो सिर्फ मुस्कुरा ही रहा था मुझे नहीं पता ये सब लोग अपने बच्चों के लिए ऐसा इमेजिन करेंगे क्या उसके बाद ये हुआ कि मैं पैदल पैदल गुप्ता चौक तक तो गई और क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैंने एन सी आर का ऑटो तो पूछा और मैं इतना लॉस थी ऑटो तो वाले से बात कर ऑटो तो वाले को बोला कि चलना है तो बोला हाँ हाँ बैठो बैठो और मैं उसको भूल गई कि मुझे वहाँ बैठने में वहाँ से जाके वहाँ पे एक पेड़ दिखा मैं उसके पास जाके बैठ गई और मुझे मुझे लगा मेरे फ़ोन में क्या हुआ होगा मैं किस से बात करूँ मैं किसको फ़ोन करूँ मैं अम्मी को बताऊँगी तो वो तो हार्ट अटैक से मर जाएंगी मैं अपनी बहन को बताऊँगी तो पापा जी तो झेल ही नहीं पाएंगे मैं किस को बोलूँ मैं वहाँ बैठी रही बैठी रही बैठी रही दिन मैं वापस आई थोड़ी देर बाद फिर मैंने ऑटो लिया और मैं घर आई और मैं शाम तक जिस बिस् बिस्तर बैठ के सिरहाने पर एक बार बैठी मैं वहाँ बैठी ही रह गई रात के नौ बजे तक बच्चेस? एक बजे से फिर मैंने नॉर्मल होके अपनी बहन को भी नहीं बताया मुझे लगा वो वो छोटी है अभी पढ़ रही है वो, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी उसके एंट्रेंस चल रहे हैं उसके एग्जाम्स हो रहे हैं इंटरव्यू होना है उसका एंड उसके बाद ये हुआ कि मैंने मेल लिखना शुरू किया मुझे लगा यू नो नौकरी मेरी जिंदगी को डिफाइन नहीं कर सकती किसी की जिंदगी को डिफाइन नहीं कर सकती मुझे लगा कि ये ये ऐसी चीज है जो इस पूरी दुनिया को पता होनी चाहिए <laughs> इसलिए आई डिसाइडेड कि नहीं मेरे को इस बारे में बात करनी है लोग मेरे बारे में ये जो कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं इनको पता नहीं कि मेरी जगह इनकी भी बेटी होगी बट आई विल से ना भी हो ना, ना भी, भी, भी हो, हो. मैं कह रही हूं कि सो so इन्हें कभी ज़रूरत होगी ना तो मैं इनकी हेल्प करूंगी जो मेरे बारे में ये बातें कर रहे हैं ना मैं इन्हें ज़रूर बोलूँगी वैसे तो भगवान ना करें इनके किसी के साथ ऐसा हो किसी के भी साथ ऐसा हो लेकिन कभी हो तो मुझे ज़रूर बताएं क्योंकि मैंने इतना तो कानून पढ़ ही लिया है थोड़ा बहुत कि मैं एटलीस्ट बता सकूँ कि नहीं ये 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 गलत है पौश पौश को लेके मैंने लिखा टूथलेस पौश ट्विटर पे मैंने हर जगह यही लिखा कि तो सच में टूथलेस है मतलब जी में से. जो हुआ है वो तो ये बताता है जीनत, जीनत मुझे लगता है कि अभी आप थोड़ा सहज हो लें और फिर अगर आप बात करना चाहेंगी तो फिर हम यहाँ से आगे बात करेंगे ठीक है और एक जो हालांकि मुझे बहुत बुरा लगता है लग रहा है ये पूछने में लेकिन ये शायद कानूनी तौर पर ज़रूरी होगा कि आ, आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए मैंने किसी तरीके से आप पर दबाव नहीं डाला है नहीं मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता हो मुझे नहीं, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं और मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि मैं हूँ मैंने ये सफर किया है बिकॉज आई आई यू नो कि लो, लोग अवेयर हों बहुत सारी बातें हैं जो की जानी है और की जानी चाहिए मुझे पता है कि ये बातचीत लंबी हो रही है लेकिन ये पूरी बातचीत दुनिया के सामने आना बेहद बेहद ज़रूरी है ताकि इस दुनिया को बेहतर बनाया जा सके जीनत आपको बहुत सलाम है कि आपने इतनी हिम्मत की और इतने बड़े कॉरपोरेट के ख़िलाफ़ आप लड़ रही हैं मैं इसी कानून से एक हिस्सा पढ़ रहा हूँ ये जो पॉश एक्ट है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध व निवारण अधिनियम 2013, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये पब्लिकेशन है यहाँ हम इस इंटरव्यू को रोकेंगे इस बातचीत के बाद और अगर जीनत सहज रही और शायद मैं भी सहज रहा तो फिर हम इस बातचीत को आगे ले चलेंगे मानवाधिकार दृष्टिकोण इसमें लिखा हुआ है इसको मैंने फ्लैग किया हुआ है तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय के विशाखा निर्णय बारह में निर्धारित निर्देशों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यह दिशा निर्देश मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम उन्नीस के तहत मिले किसी भी अधिकार को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। इस दृष्टिकोण के तहत मानवाधिकार की परिभाषा का इस्तेमाल किया जाता है हालांकि कानून से परे जाकर कोई मानवाधिकारवादी दृष्टिकोण अपनाने से यौन उत्पीड़न के मामलों के मूल्यांकन के दौरान प्राथमिकताओं में बदलाव आ जाता है फैसले अब उपलब्ध प्रत्यक्ष साक्ष्यों अथवा सबूतों के आधार पर नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं के सामाजिक संदर्भों की पड़ताल पर किए जाते हैं यौन उत्पीड़न एक प्रकार का पावर गेम है ये इस बुकलेट में लिखा हुआ है ये ताकत का खेल है और अगर साफ सब शब्दों में कहें तो ये उसका बेजा इस्तेमाल है इसमें दो ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनमें से एक ज्यादा शक्तिशाली होता है और दूसरा कम ये तथ्य यौन उत्पीड़न की शिकायत के मूल्यांकन में केंद्रीय भूमिका निभाता है रमेश चंद्रा की ताकत और जीनत सिद्दिकी की क्षमताओं के बीच ये लड़ाई चल रही है जिसमें नैतिकता शायद सबसे ज़्यादा घायल है मानवाधिकार का मुद्दा किसी अकेले अपराधी पर केंद्रित नहीं रहता बल्कि उसकी कार्य परिस्थितियों की उन खामियों पर भी विचार किया जाता है जिसकी वजह से किसी अकेले व्यक्ति के साथ साथ समूचे प्रतिष्ठान के लिए भी घातक परिणाम हो सकते हैं इस इंटरव्यू को हम यहाँ रोकते हैं और अगर जैसा मैंने पहले कहा कि जीनत और बात करना चाहेंगी तो एफ आई आर क्यों नहीं हुई उन एक सौ अस्सी सवालों में कैसे कैसे सवाल पूछे गए जी न्यूज़ की एक प्रतिष्ठान के तौर पर क्या भूमिका रही जीनत के दोस्तों सहकर्मियों परिवार ने कैसे इस पर प्रतिक्रिया दी किन लोगों ने कितना साथ दिया और किन लोगों ने जीनत को और तोड़ा अगर जीनत ठीक समझेंगी तो हम इस पर आगे बातचीत करना चाहेंगे नमस्कार